This is purely a discussion class or questions ko yahan baith ke mujhe analyze karne ke bajaye let's just do it informally. Let's start by aap bataye koi jo bhi question puchna ho aap puchhe to discuss karte hain ji. What is your name? Elena. Good question. Sir, it is a part You see, it depends on what is done with the money that is printed as to whether there is inflation or not. Agar aap, first of all, farz karein ke hum log paisa print karke to kya kare, what was the suggestion? उसके बाद फिर एनालाइज कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया कि नहीं. जितनी रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है मसलन. देखो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पैक्ट, तो इसलिए वी हैव टू स्पेसिफाई कि किस मकसद के लिए प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट द इफेक्ट्स विल बी ट्रेस्ड. देखिए फर्ज करें कि हमने जैसे कि इस वक्त हो रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन एक जॉब गारंटी स्कीम बनाई, जो भी आए उसको हम जॉब दे देंगे. तो फर्ज करें कि ये स्कीम जो है इट्स फुल ऑफ करप्शन, कोई भी आदमी है उसको जॉब मिल जाता है मगर उसको कुछ काम नहीं करना होता है. ठीक है, तो अब बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज डिस्ट्रीब्यूट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मगर productive capacity of the economy is exactly the same as before, nothing has changed. So, ab jo goods hai in existence they are the same. A huge amount of money has been created which is all going to try to purchase those goods, so there will be inflation. Sahi hai, to let's see, aapke paas billions of dollars debt hai, आप यानी अरबों रुपया प्रिंट करें और उससे फिर आप जाएं डॉलर्स ख़रीदने, तो व्हाट विल हैपन, आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो शूट कर जाएगी, यानी डॉलर्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, आपकी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू परचेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, तो डिमांड में सडनली स्काई रॉकेट कर गया आपके पास जो एग्जिस्टिंग, तो योर करेंसी एक्सचेंज रेट विल यानी गो टू 200 रुपीज़ पर 250, सही है जी. ये एक्चुअली मैंने इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, आई थिंक 0% इज यानी
exaggeration, 0.5% with that, half a percent of smell, guzara ho jata hai. I think that's, yani profits nahi hoti hai, magar salaries agar logon ko mil jaye to bas phir chal sakta hai kaam. Long as, kyunki bahut hi mamooli percentage chahiye hota hai uske liye. Negative to kahin pe bhi nahi hai, magar real interest rate negative ho sakti hai, nominal to kabhi bhi nahi hoti. Haan. There are no negative interest rates. Negative interest don't exist. But real interest rate negative ho sakti hai agar jo nominal interest rate jo hai wo low hai aur inflation rate usse high hai. To standard theory yahi hai ke real interest rate is nominal rate minus inflation rate. To is tarah se negative hoti hai. Magar actually negative koi nahi hoti. बहुत सारी रिसर्च हुई है और लगता है कि तुमने पढ़ाड़ा नहीं है कुछ. गोल्ड में ये सिल्वर पे वैल्यू रखी किसने है, मतलब दिस इज बी हु डिफाइन कि नहीं दिस इज नॉट नेचुरल आर्ट से देखिए फॉर एग्जांपल डायमंड है. बोथ इन माय आर्टिकल एंड इन ज़ारलिंगा आर्टिकल ये डिस्कस है कि गोल्ड क्यों नहीं मुनासिब है करेंसी के तौर पे. तो दूसरी ये कि सर इनको वैल्यू तो हम देखेंगे ये रेयर है कम है इसलिए इनको कहा गया कि ये इंपॉर्टेंट है. जैसे आप अभी के आर्टिकल में था कि टाइम में हालांकि हमें ये भी पता ही है केमिस्ट्री में भी कोयले से ही डायमंड बनता है लेकिन दैट टेक्स टू लॉन्ग तो वो रेयर चीज होगी इसलिए उसको ज्यादा वैल्यू प्लेस करते हैं. जो रूल चेंज हुआ रूलर्स चेंज होते हैं इसके साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं. ठीक है अदरवाइज नहीं. मैं देखो दिस बहस इज यानी कंप्लीटली इररिलेवेंट क्योंकि जो हम सारा कोर्स में ये बदला रहे हैं कि मनी इज जस्ट अ यूनिट ऑफ अकाउंट. इट डजंट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस. इट इज नॉट अ सब्सटेंस. इट इज नॉट गोल्ड. इट इज नॉट सिल्वर. इट इज अ वे ऑफ कीपिंग स्कोर. It's an entry in a book. It just doesn't have any real existence. उससे कुछ भी नहीं हुआ. वो असल में जो काम किया वो ये है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने बैंक्स को अवेलेबल कर दिए फॉर लेंडिंग. थ्योरी ये है कि बैंक्स है फॉर फ्री ऑलमोस्ट. तो थ्योरी है कि बैंक के पास बहुत सारे पैसे होंगे तो देन इट विल स्टार्ट लेंडिंग. मगर बैंक्स ने लेंडिंग नहीं की क्योंकि कंडीशंस फॉर लेंडिंग वर नॉट राइट. तो मनी नेवर एक्चुअली गॉट आउट ऑफ द बैंक्स. तो डिडंट कॉज एनी इन्फ्लेशन. जी एग्जॉजिनस इसको कहते हैं जो यानी इज इन माई कंट्रोल एंड यानी बेसिकली कॉजैलिटी की बात है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कॉज होती है. तो मैं जो हूँ जो अमाउंट ऑफ मनी है अपनी मर्जी से जितना चाहूँ सेट कर दूँ तो ये एग्जॉजिनस वेरिएबल है. और
banks जो credit create करते हैं उस पे कोई limit है और वो depend करता है मुख्तलिफ variables पे, तो फिर वो endogenous variable कहते हैं उसको. देखो बात ये कि जो फतावा है वो एक चीज़ है जुज़ियात के जो कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन है. तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करें कि ये हल ये अक्द हुआ दो पार्टीज़ में और एक ने ये वादा किया और दूसरे ने ये शर्त की और ये सारी जो चीज़ें हैं वो जायज़ हैं, तो उस पर फतवा लग सकता है कि ये ठीक है. बाकी ये कि पूरे सिस्टम की क्या नौयत है और इस सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल है, ये इशू जो है ये ज़्यादातर उलमा को नहीं पता है. माना तकी इस्माइल नोज अबाउट फ्रैक्शनल रिज़र्व, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और को भी पता है. और माना तकी इस्माइल ने फ्रैक्शनल रिज़र्व का तज़किरा किया है, मगर उस पर कभी उन्होंने मज़ीद कोई और बात नहीं लिखी. उन्होंने लिखा कि ऐसा होता है कि बैंक्स क्रिएट मनी, इस उनके अलावा मैंने कहीं देखा नहीं है किसी को लिखते हुए. तो क्रिएशन ऑफ मनी जो है वो, मगर उन्होंने भी बस वही एक लाइन में कह दिया है. और ये कि इसकी क्या इम्पैक्ट है उसको कभी मैंने डिस्कस और एनालाइज करते हुए नहीं देखा कि ये क्या इसके बारे में कोई रूलिंग, ये क्रेडिट क्रिएशन जो है ये सही है कि गलत है, इसके क्या इम्प्लिकेशन है. हाँ सर, जो आर्टिकल हमने पढ़ा था उससे हमें ये समझ आई कि ये जो मनी क्रिएशन है ये इस्लामिक उसमें तो आप नहीं कि आपके पास जो यू आर गिविंग समथिंग दैट यू डोंट ओन इट. हाँ ठीक है, जब आप ओन ही नहीं कर रहे तो ये तो बैंकिंग सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. हाँ. तो फिर आप एक इस्लामिक स्टेट होते हुए आप होते हुए आप क्या प्रपोज करेंगे, किस तरीके से ये. हाँ वो है, असल में यही मसला है जिसकी वजह से इस्लामी बैंकिंग जो है वो अभी तक सही बुनियादों पे नहीं कायम की जा सकती है की गई है. दो इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है मनी क्रिएशन. इन दोनों को अगर ख़त्म कर दें तो फिर हमें इस्लामी बैंक बन सकते हैं. अब ये जो इस्लामी बैंक आ रही हमारी तरफ है, इन लोगों ने इंटरेस्ट को तो बंद कर दिया मगर क्रेडिट क्रिएशन को नहीं बंद किया. वहाँ पे वेस्ट में उन लोग ने प्लान बनाया है, शिकागो प्लान और आइसलैंड प्लान, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन को बंद कर दिया जाए मगर उन्होंने इंटरेस्ट को नहीं बंद किया. तो इन दोनों प्लान्स को जोड़ दें तो फिर मेरा एक पेपर है जिसका नाम है इस्लामिक आइसलैंड प्लान, तो उसमें फिर इस्लामी बैंकारी बन सकती है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि इंटरमीडियरी नहीं हो सकता है टेक्निकली. असल में जो मैंने वो एक है मेरा पेपर जिसका नाम है बिल्डिंग जेन्युइन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेसिकली असल जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये कि दो तरह के मुख्तलिफ इदारे हैं. एक अदारा है जिसको कहें दारुल अमानत, यानी वह आदमी अपने पैसे रखेगा और वह महफूज रहेंगे और वो उसको वापस मिल जाएंगे जब वो मांगेगा, उससे कोई आगे पीछे नहीं कर सकता. जब आपने अमानत रखी है किसी के पास तो ही हैज़ टू कीप दैट, बल्कि लोग कहते हैं कि वही नोट आपको वापस मिलना चाहिए. मगर मे बी वी डोंट हैव टू गो दैट फार, मगर बेसिकली अमानत मीन्स के योर मनी इज़ सेफ एंड इट इज़ विद मी एंड आई विल गिव इट बैक व्हेन यू डिमांड, ये नहीं कि उससे मैं इस्तेमाल करूँगा किसी तरह से. और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, के आप किसी को पैसे देंगे, चलो इसको मेरे बिहाफ पे तुम इन्वेस्ट करो, बिजनेस में लगाओ और उससे जो मुनाफा है वो हम शेयर करेंगे. तो ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता. और ये बात भी इसको कहते हैं नैरो बैंकिंग, और ये भी उन लोगों ने यानी वेस्ट में अपने से सोच के इस तक नतीजे तक पहुँचे कि ऐसा करना चाहिए कि ये दो फंक्शंस को कंबाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में नुकसान होते हैं. तो वो
जो हमारा दीन कहता है कैसा करना चाहिए, वही बात एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट से भी पता चलती है कि ऐसा करना चाहिए। दारुल अमाना श्योर, इस वक्त के जो चेकिंग अकाउंट्स हैं वैसे ही होते हैं, जीरो इंटरेस्ट, योर मनी इज सेफ एंड यू गेट इट बैक। और उसमें यानी बेसिकली यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज, यानी बेसिकली ये जो चेक राइटिंग सर्विस है और डेबिट कार्ड है, ऑल ऑफ दीज आर सर्विसेज। आपके पास पैसे हैं, यू यूज देम। जब आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली यू आर सेइंग के ऑर्डरिंग योर बैंक टू डिलीवर द मनी टू द मर्चेंट। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, दिस इज़ अ कन्वीनियंस यू आर बीइंग प्रोवाइडेड। इन सब चीज़ों के लिए दे कैन चार्ज मनी फॉर द सर्विस। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी चीज़ है, दैट शुड बी डन इन अ डिफरेंट वे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग है और ये डिपॉजिट बैंकिंग अलग है, ये दो अलग इंस्टीट्यूशंस टाइप हों, दोनों के अपने अपने लॉजिक कर वो बनती है। हाँ ओ अच्छा सही है। मैं असल में हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह कि जो यानी जो कौम की ज़रूरत है ना, वो तो है लार्ज स्केल प्रोविजन ऑफ हेल्थ टू द मैसेस हु आर पुअर, उसमें कोई पैसा नहीं। अब जो अमेरिका में जो काम हो रहा है ना, इंस्टेड ऑफ यानी सर्विंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है ना, मोर देन 50% आर अनइंश्योर्ड, दे डोंट हैव। और अमेरिका में हेल्थ का सिस्टम बहुत तबाह है, मगर वहाँ जो वर्क हो रहा है वो इस बात पे नहीं कि मैसेज तक कैसे हेल्थ प्रोवाइड की जाए, बल्कि आजकल डिज़ाइनर ड्रग्स बन रही हैं जो यानी एक मल्टी बिलियनेयर जो है उसके लिए, यानी स्पेसिफिकली उसके जीन्स को टारगेट के लिए एक ऐसी दवा बनाई जाए जो उसके लिए कारामद हो। इस पर रिसर्च हो रही है क्योंकि वहाँ पे पैसे हैं, और जो हज़ारों लोगों को, बल्कि ऐसी ड्रग्स हैं जिनको ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है, कि एक बीमारी है वाइड स्प्रेड है हज़ारों लाखों लोगों का अफ्रीका में, और उसको हम जानते हैं कैसे इलाज करें, मगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पता चलता है कि इसमें प्रॉफिट्स नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके पास पैसे नहीं है। तो अब वो यतीम है, उसको बनाने वाला कोई नहीं। तो ये यानी इन दैट सेंस देर इज़ नॉट मनी इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मैसेज विच इज़ द नीड ऑफ द नेशन। जो सोशल सोशल जो वेलफेयर है ना, सोशल बेनिफिट जो है और प्राइवेट बेनिफिट, इन दोनों में बहुत हैवी डिस्पैरिटी है। जहाँ हमारा यानी मैसिव रिटर्न है वो ये है कि आपके पास लाखों गरीब बच्चे हैं, इनमें से बेशुमार जीनियसेस हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं। आप लाखों अमीर के बच्चे ले लें चाहे लाखों गरीब के बच्चे ले लें, दे आर ऑल हैव द सेम लेवल ऑफ जीनियस। मगर तो आप उनमें इन्वेस्ट करें तो उनमें से आपके पास बड़े रिटर्न मिलेंगे, मगर वो इन्वेस्ट आप करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे वापस। तो दैट्स द सेंस इन विच आई सी। सिमिलरली फॉर हेल्थ जी, ये इन कॉन्ट्रडिक्शन की रियलिटी है, क्योंकि जो लोग वही हैं जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही सर्व कर रहे हैं, तो मोस्टली द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज आल्सो ऑल्सो टू बी सेम। लेकिन सर अगर इस अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपने ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी थी कि वहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर की जो बिग कॉरपोरेशन हैं, तो उन्होंने मतलब वो पब्लिक सेक्टर को उन्होंने करप्ट करने में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर पाकिस्तान केस में देखें तो अगर लेवल ऑफ एफिशिएंसी सेम होता है तो फिर हम क्यों आर्ग्यू करते हैं कि आईए को या रेलवे को नेशनलाइज प्राइवेटाइज कर देना चाहिए इफ द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। असल में कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जो
बिल्कुल, यानी एक तो बात यह है कि ये इसमें मैंने असल में कल टॉक दी थी, ये प्राइवेटाइजेशन वर्सेस पब्लिक, दिस इज़ अ रेड हेरिंग। हर अदारा जो है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स मिक्स्ड होती हैं। तो असल चीज़ ये है कि हाउ टू गेट गुड परफॉर्मेंस एंड कैन वी गेट गुड। तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स कि आप अगर प्रॉफिट मोटिव उसमें डाल देंगे तो इट विल बिकम एफिशिएंट। दैट्स नॉट ट्रू, बहुत सारे इसके काउंटर एग्जांपल्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक सर्विस में। यूरोप में उन्होंने, इंग्लैंड में उन्होंने रेल्स को प्राइवेटाइज किया है, उससे प्राइसेस मैसिवली बढ़ गई हैं, एफिशिएंसी में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो हैं वो, यानी एक मजबूरी है लोगों की, तो वो उसको एक्सप्लॉयट करते हैं और प्रॉफिट्स बनाते हैं, मगर सर्विस मिनिमल लेवल पर प्रोवाइड करते हैं, तो एफिशिएंसी में तो खास इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ उन्होंने एसेंशियल चीज़ों को प्राइवेटाइज किया है, तो उससे यही हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट्स बनाता है, और दैट्स हाउ इट वुड बी, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव लेके आएंगे। तो विल प्रॉफिट मोटिव, यानी डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस पब्लिक सर्विस मोटिव बाई प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव? इट डजेंट सीम लाइक दैट वुड बी द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ये है कि पब्लिक सेक्टर में रखते हुए उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं और इसके बहुत सारे नमूने हैं। जो चाइना है उसमें मोर देन, यानी आई थिंक अबाउट 70% ऑफ दी प्रोडक्शन इज़ डन बाई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो ऑब्वियसली, और एंड चाइना हैज़ इंजॉयड द बेस्ट ग्रोथ रेट्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। तो अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज नेचुरली इनफिशेंट होते तो फिर चाइना वुड नॉट हैव बीन एबल टू ग्रो वेरी रैपिडली। इसके साथ साथ जो उसकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, उनको प्राइवेटाइज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दे ऑल हैव सोशल सर्विस मोटिव्स, यानी उनके एक्सप्लिसिटली दे आर सपोज टू सर्व द पब्लिक, दे आर नॉट सपोज टू मेक प्रॉफिट्स। तो उसको अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर बहुत सारे फंक्शन ही उनके लॉस्ट हो जाएंगे। तो जनरली स्पीकिंग, द आइडिया कि हम एक अदारे को अच्छा चला सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट टू अ प्रॉफिट मेकिंग एंड मेकिंग द टारगेट ओनली प्रॉफिट्स, डजंट सीम लाइक अ सेंसिबल आइडिया। क्या कह रहे, मनी की नेचर चेंज हो जाती है? हाँ, आई थिंक दैट मे बी ट्रू। के असल में जैसे, यानी मनी का जो रोल है वो इट डिपेंड ऑन व्हाट यू कैन डू विद इट। तो अगर एक सिस्टम है जिसमें सादगी है और लग्जरियस कंसम्पशन की कोई इजाज़त नहीं है और उसको बुरे तौर पे देखा जाता है, एक आदमी है उसके पास अपनी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं तो उसके मज़ीद पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता है उससे जो कि उसके पास हो। इनके इफ़ यू थिंक, तुम लोग तो बहुत छोटे हो, मगर हमारे ज़माने में इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एंटरटेनमेंट, क्योंकि था ही नहीं। यानी ज़्यादातर फिल्म हो सकती थी, आप इवन इफ़ यू ईट आउट तो उसमें भी मामूली रकम आप खर्च कर सकते थे। आजकल जैसे इंसान एक खाने पे 10,000 रुपये खर्च कर सकता है, तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल, और ना ही इसको अच्छा चीज़ समझी जाती। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑस्टेंटेशन कंसम्पशन डिड नॉट एग्जिस्ट। तो आदमी के पास पैसे हैं तो वो क्या करेगा, उसको दूसरे में खर्च करेगा, अपने तो खर्च अपने पूरे ज़रूरियात पूरी कर ली। तो अब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर,
सही है, तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या हो रहा था जी? नहीं, ये पब्लिक गुड तो हर जगह है, मगर जो चेंज है वो मोटिवेशंस ऑफ मैन में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कि जो कैपिटलिज्म है वो परसूट ऑफ मनी को सबसे टॉप मोटिव बना देता है। ह्यूमन मोटिवेशन जो है प्लास्टिक है, उसको चेंज किया जा सकता है। यू कैन मेक डिफरेंट थिंग्स अपीयर डिजायरेबल एंड attractive and make people compete for them. अगर यहाँ हम लोग सारा वक्त क्रिकेट स्टार्स का तस्करा करेंगे तो कौम जो है वो क्रिकेट खेलने में लग जाएगी, और अगर हम लोग किसी और चीज़ की तारीफ करेंगे तो कौम के बच्चे जो हैं वो जब सुनेंगे कि चीज़ की तारीफ होती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम सारे वक्त उसके कि देखो उसका कितना बड़ा महल है, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी, तो लोग जो है वो महल और गाड़ी बनाने की फिक्र करेंगे। हम कहेंगे कि ये देखो ये कितना अच्छा आदमी है और इसके अंदर कितना अच्छा अखलाक है, तो लोग अखलाक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सोशल नॉर्म्स जो है ना, दे डिपेंड ऑन। तो एक ज़माना था कि करप्शन को बुरा समझा जाता था, वो राशि है, रिश्वतखोर है, कोई कहता था कि हम इससे अपनी बेटी नहीं देंगे इसको, और आजकल कहते हैं कि रिश्वत से क्या होता है, तो इसका तो बड़ा महल है। तो फिर इट्स अ डिफरेंट सोशल नॉर्म। तो सोशल नॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है, इंजीनियर किया जा सकता है, और ये इसमें सोशल मीडिया और फिक्शन और ड्रामा इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। Who creates it? This is certainly very important. उसके बाद फिर हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज़ हो जाए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं काम करता हूँ, मैंने काम किया है, मुझे उजरत चाहिए, वो उजरत मैंने करनी क्या है, मैंने फॉर एग्जाम्पल रहना है, घर का किराया देना, फॉर एग्जाम्पल पैसा देना, बाकी के लोग अपने खाने के लिए, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहे कॉइन्स दे दिए जाएँ, चाहे मुझे बता दीजिए भाई ये कार्ड ले लो, जहाँ पर जरूरत पड़ी इतनी आपकी लिमिट है, फाइव कर ले लो। तो एंड ऑफ द डे व्हाट आई नीड फ्रॉम दिस इज कि मेरी जो जो सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की हैं उसके बदले में मुझे कुछ ऐसी चीज मिले जिससे मैं अपनी जरूरियात पूरी कर सकूं। इस पूरी सिचुएशन में तो मुझे अगर कुछ भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट कहती है कि जैसे ये मनी हो गई है, क्या डिफरेंस किया जाए, वो एंट्री हो गई है कोई भी चीज़ हो गई, हाँ ये ज़रूर है कि कौन क्रिएट कर रहा है। जैसे आपने तुमने जिक्र किया कि अगर किसी एक आदमी की वर्थ है पब्लिक में, असल में दो टाइप्स ऑफ इकॉनमी होते हैं जो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की पोलानी लिखा है कि एक मार्केट इकॉनमी, उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द मार्केट होता है, तो तुम वेजेस अर्न करते हो इम्पर्सनली और उसको फिर तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, देन वट एवर यू नीड यू बाई दैट ऑन द मार्केट ऑल्सो। तो फिर जो है दैट्स अ मार्केट इकॉनमी। और जो ट्रेडिशनल इकॉनमी है उसमें सोशल नेटवर्क्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट्स आर पेरिफेरल। आप जब किसी गांव में पैदा होते हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर योर केयर, और फैमिली के अंदर भी देर इज़ नो मार्केट इकॉनमी, you are cared for because you are part of the family, so that is a not a market economy. So agar community hai to that also works on social principles ke acha you are a member of the community, so it's our job to take care of you. Ab you can go and have a job and earn money, but that's not necessary for your survival. Aur jo market economy hai usme
एवरीबडी डिपेंड्स ऑन द मार्केट फॉर मनी, और जब ट्रांजिशन हो रहता है फ्रॉम ट्रेडिशनल इकानमी टू मार्केट इकानमी, तो फिर लड़कियां कहती हैं कि लड़का जो है हमें सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वी नीड टू लर्न हाउ टू अर्न आवर ओन एंड बी वैल्यूड, क्योंकि मार्केट इकानमी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसकी अर्निंग पावर से होती है, और मदर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है क्योंकि वो दे डोंट अर्न एनी मनी। तो फिर लड़कियाँ कहती हैं कि हमें भी जॉब्स चाहिए, हमें भी सैलरीज चाहिए, हम भी स्पेशली वैल्यूबल होना चाहते हैं। तो ये हो रहा है। तो मार्केट इकॉनमी एंड ट्रेडिशनल इकॉनमी आर वेरी डिफरेंट। ट्रेडिशनल इकॉनमी पीपल आर वैल्यूड बाय एंड फेड एंड क्लोज्ड एंड हाउस्ड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे उसमें कोई मार्केट की रिलेशन हो चाहे ना हो। तो फिर ये सोशल नॉर्म्स का चेंज करना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था एक्चुअली स्पेसिफिकली। बहुत मशहूर हदीस है कि दो आदमी गुजर रहे थे, एक आदमी के बारे में पूछा उन्होंने कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो साहबा ने कहा कि ये तो कुरैश का एक बहुत आला मर्द है, इसकी सोसाइटी में बड़ी वैल्यू है। जब ये बात करता है तो सब लोग सुनते हैं, अगर ये रिश्ता भेजे तो सब लोग कबूल कर लें, सिफारिश करें तो सब मान लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। दूसरा आदमी गुजरा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ओ ये तो गरीब मुसलमान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं सोसाइटी में, बात करे तो कोई सुने नहीं, रिश्ता मांगे तो कोई इसको भेज नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले वाले आदमी की तरह से अगर सारी दुनिया भर जाए तो इस दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की निगाह। तो ही वॉज टीचिंग देम यानी सोशल नॉर्म्स के, किस चीज़ की इज्जत है करनी है, किस चीज़ की इज्जत नहीं करनी है। तो अगर हम लोग ये अपनी निगाह बदल लेंगे, अगर हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे कि किसके पास कितने पैसे हैं, और ये सोसाइटी में हो जाएगा, तो फिर पीपल विल नॉट परसू मनी, जैसे कि दांत से पकड़ के आजकल करते हैं कि यही मकसद है ज़िंदगी है कि आदमी पैसा बनाए। और मार्केट इकॉनमी का ये खासा होता है, क्योंकि उसमें मार्केट इकॉनमी डजेंट वर्क अगर लोग इसको मकसद नहीं बनाए, क्योंकि सारे मार्केट के सारी इंसेंटिव जो हैं वो पैसे से अलाइन है। मगर एक्चुअली जितने भी कोशिश कर लो, ये इंसान की यानी फितरत में नहीं है टू रन आफ्टर मनी, इसलिए दिस सिस्टम डजंट वर्क वेरी वेल। जो सारी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंसेंटिव्स है वो ये कहती है कि अगर आप अपने लेबर को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं तो उसको आप बोनस दें अगर वो अच्छा परफॉर्म करे, और उसको सज़ा दें अगर वो अंडर परफॉर्म करे। एक सिस्टम है इसमें, ये पीस रेट कहते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कितनी आपको हम काउंट करेंगे कि आप यानी वो कोई चीज़ है जो बना रहे हैं, मसलन कोई आदमी कुर्ता स्टिच कर रहा है, तो आप कहेंगे चलो जितने तुम कुर्ते स्टिच करोगे एक महीने में उतना हम तुम्हें उसके हिसाब से पर पीस इतने देंगे, और तुमने अगर 1000 से ज़्यादा कर लिया तो उस पर बोनस भी मिल जाएगा तुम्हें, और अगर 500 से कम किया तो तुम्हारा जुर्माना होगा। ये एक सिस्टम है। दूसरा ये है कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे तुम्हारी स्किल्स बहुत पसंद हैं, देखो तुम अपना काम ईमानदारी और दिलदही से करो, और आई ट्रस्ट यू टू डू अ गुड जॉब। तो ये दूसरा सिस्टम है। तो अब जब आदमी पीस रेट सिस्टम इस्तेमाल करता है, तो एक मार्केट इंसेंटिव होते हैं, एक सोशल इंसेंटिव होते हैं, ये दो बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो उसमें ये होता है कि फिर आदमी जो है वो बहुत शॉर्टकट्स लेने लगता है ताकि वो क्वांटिटी पूरी कर लें, तो क्वालिटी में उसके बहुत सारे जल्दी का काम क्योंकि काउंट हो रहा है। इसी तरह से जब HEC ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया कि आप HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश करें और हम काउंट करेंगे कि आपने कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए, उसी पे आपके प्रमोशन होंगे, उसी पे सैलरीज होंगी,
तो फिर यू कैन सी के देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम क्वालिटी टू क्वांटिटी. पहले लोग जो हैं वो आला जर्नल्स में पब्लिश करने की कोशिश करते थे, अब एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करने में आदमी 3 कचरा पेपर निकाल सकता है या उससे भी ज़्यादा. तो वो अब जो है यू कैन सी के लोग 100-150 आर्टिकल जो है वो अपने सेल्फ पब्लिश जर्नल्स में पैसा दे के पब्लिश कर रहे हैं, और वेरी फ्यू पीपल आर पब्लिशिंग हाई क्वालिटी जर्नल्स. क्योंकि वो अब उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है. तो जब आप काउंट करना शुरू करेंगे तो यही रिजल्ट्स निकलती हैं. तो जो मार्केट इंसेंटिव्स हैं वो एक्चुअली जो है वो जेन्युइन इंसानी मोटिवेशन से मैच नहीं करते. इंसान जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होता है स्ट्रांगली सोशल इंसेंटिव से. अब हम कहें यहाँ पे कि ब्लड ड्राइव है भाई आए, और यानी ये हमारे मुतासरीन हैं जलजिले के, इनको खून की ज़रूरत है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो ज़यीफ़ है जो कमज़ोर है वो भी कहेगा चलो कोई बात नहीं, और हम कहेंगे चलो तुम्हें हम 1,000 रुपये देंगे या 10,000 रुपये देंगे या 1,00,000 रुपये देंगे, एक अकाउंट से लेके आ जाओ. बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे नहीं मैं अपना खून नहीं बेचता, 1,00,000 रुपये दे दो. बाज़ लोग जो मजबूर हैं शायद कर लें, यानी जिनको फाइनेंशियली ज़रूरत है, मगर जिसको ज़रूरत नहीं है वो कहेगा कि ये इज्जत का मामला है, मैं खून नहीं बेचता. खाने पीने को है अल्हम्दुलिल्लाह जी. सर व्हाट हैपेंस कि अगर बैंक्स मनी क्रिएशन बंद कर दें, मसलन जैसे आप खबर में था कि तकरीबन 4 times की यानी कि जो मनी क्रिएट हुई है, मतलब अगर करेंसी इन सर्कुलेशन टोटल 3 point something है, तो जो बैंक्स बताते हैं, जो ओवरऑल बताया जाता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मनी है, नॉट ओनली करेंसी वॉल्यूम ऑफ मनी है, दैट इज अराउंड 10, ठीक है, तो 3-4 fold हो गया इसके. अब अगर बैंक्स मनी क्रिएशन बंद करते हैं तो व्हाट हैपेंस? अब लोगों की जो ओनरशिप है, अब जो करंटली सिचुएशन है उसमें तो मैयर हो रही है कि बैंक्स में इनका कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, मतलब इनका अकाउंट जो है ये कितना वॉल्यूम है मैयर हो रहा है. अब अगर मनी क्रिएशन बंद हो जाती है व्हाट विल हैपन? स्टेट को इतनी पैसे प्रिंट करके देने नहीं पड़ेंगे, ये क्या करेंगे सर? एक तो बात ये कि ये तुम्हारे फिगर से ही नहीं, जहाँ तक यानी वेस्टर्न इकानमीज़ हैं जो फाइनेंशलाइज्ड हैं उसमें तकरीबन 95% या 99% ऑफ मनी इज़ क्रिएटेड बाई बैंक्स, ओनली 1% इज़ क्रिएटेड बाई द गवर्नमेंट. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वहाँ 2/3 ऑफ द मनी इज़ क्रिएटेड बाई द गवर्नमेंट, 1/3 इज़ बाई प्राइवेट सेक्टर, तो इसका काफ़ी फ़र्क है. दूसरी बात यह है कि हाँ इट्स वेल नोन कि अगर बैंक्स को हम प्रोहिबिट करते हैं, यही बात है एक्चुअली जो इस्लामिक इकानमिस्ट को नहीं समझ में आती है. अगर फ़र्ज करो कि हम बाई लॉ अगर आज हम पास कर दें कि इंटरेस्ट रेट 0 हो जाएगी, तो बैंक के क्रेडिट क्रिएशन अगर हम ख़त्म कर दें, विच इज़ वन विद दी कंसिक्वेंस हुई, एक तो कि बैंक के फिर सीरियस इश्यूज हो जाएंगे सर्वाइवल के, दैट्स वन दैट्स देयर सोर्स ऑफ अर्निंग्स, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे. दूसरी बात है कि मनी सप्लाई वुड कोलैप्स, दिस वुड लीड टू अ वेरी सीवियर रिसेशन इन द इकॉनमी. अच्छा, हम उसको अब रिप्लेस कर सकते हैं बाई दीज ऑल्टरनेटिव ट्रांजेक्शन विच आर नॉट जेन्युइन इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स, मगर सॉर्ट ऑफ एक मुतबादिल है जिसको, यानी मैंने वो पेपर है मेरा बिल्डिंग जेन्युइन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें मैंने ये बताया कि जो करेंट इस्लामिक institutions are, they are not genuine, they are sort of imitation of western. Jo genuine institution hai usse kafi farak honge, unme hum log ye sari cheeze handle kar sakte hain jo jiski zarurat hai. To problem yahi hai ki if you say ke framework institutional yahi hona hai jo hame mila hai, iske andar hum kaise islamize kare, to ab इसके अंदर रहते हुए हम इंटरेस्ट को नहीं बैन कर सकते, या बैन करेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा. ये पूरा एक मरबूत सिस्टम है जिसमें सारी लिंक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आप उसमें से एक पीस, एक गाड़ी उसमें से आप कहेंगे एक पहिया निकाल देंगे इसमें,
हाँ अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को बदल दें देन यू कैन गेट रिड ऑफ इंटरेस्ट. तो दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स अ पैराडॉक्स. क्योंकि वो लोग यानी एक मुफ्ती ने इजिप्ट में फतवा दिया था कि इंटरेस्ट जायज़ है, क्योंकि उसको ये बताया था लोगों ने कि अगर हम इंटरेस्ट बंद कर दें तो इकानमी कोलैप्स कर जाएगी, लोगों को खाने का नहीं मिलेगा. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में से इंटरेस्ट बंद कर दें इट विल कोलैप्स. तो विद इन द सिस्टम विद इन द बॉक्स देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इंटरेस्ट. हाँ इफ यू से कि चेंज द होल सिस्टम तो फिर यू कैन गेट रिड ऑफ इंटरेस्ट एंड सच अ सिस्टम डिड एग्जिस्ट एंड कैन एग्जिस्ट. मगर इट रिक्वायर्स मच मोर रेडिकल चेंजेस देन जस्ट बैनिंग इंटरेस्ट. ये बात लोगों को नहीं समझ आई. हाँ गुड क्वेश्चन. तो तुमने ये मेरी बैटल फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी नहीं पढ़ी है? तो उसी में तो इस बात का जवाब है. किसी और को यार बतला सकता है कि ये क्यों है? पूछ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो तो मनी प्रिंट कर सकती है, तो वो क्यों बोरो करती है स्टेट बैंक से और इंटरेस्ट देती है? स्टेट बैंक को छोड़ो, वो प्राइवेट बैंक से पैसे क्यों बोरो करती है? जबकि जो वो बोरो करती है प्राइवेट बैंक से तो वो स्टेट बैंक ही वो पैसा प्रिंट करके वो प्राइवेट बैंक को देता है, तो वो प्राइवेट बैंक फिर गवर्नमेंट को देता है. तो बड़ी ऑड चीज़ है कि वो गवर्नमेंट जो पैसा प्रिंट कर रही है वो उसको प्राइवेट बैंक को दे रही है, फिर प्राइवेट बैंक उसको कर्ज़ा देता है और कर्जे पर वो सूद भी देता है बैंक. हैरत की बात है, अकल के खिलाफ है. इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग है. अगर आप पैसे प्रिंट करेंगे और ये जाके इन्फ्लेशन क्रिएट कर देंगे तो इसलिए दे अवॉइड प्रिंटिंग मनी. अब पैसे तो फिर भी चाहिए, तो दैट इज व्हाई वो कहते हैं ठीक है आप हमें पैसे दे दें हम आपको इसका इंटरेस्ट दे देंगे इंसेंटिव दे देंगे. तो दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स. तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई. बात यह है कि देखो जो धोखा होता है इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हाफ ट्रूथ्स. द मोस्ट इफेक्टिव धोखा जो है उसमें हाफ ट्रूथ होता है. अगर हाफ ट्रूथ ना हो तो फिर इट्स ईजी टू सी थ्रू. तो अगर हम गवर्नमेंट से कहें कि जी आप जो मर्जी आए आप जितना मर्जी आए पैसा प्रिंट करें तो क्या होगा? यानी ये पॉलिटिशियंस हैं बैठे हुए हैं सब पैसा प्रिंट कर करके अपने वो कॉन्स्टिट्यूशंस को खिलाएंगे तो इकॉनमी विल बी रुइंड. नो क्वेश्चन अबाउट दैट. उन्होंने कहा ना कि अगर हम लोग एक जॉब गारंटी स्कीम सबको पैसे बांटने शुरू कर दें तो मैसिव इन्फ्लेशन हो जाएगा. इट्स नॉट ट्रू कि नहीं होगा. पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन होगा. ओनली इफ जो पैसा है अगर आप प्रिंट करें और उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करें जिसके ज़रिए से आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए. तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया. अगर ऐसा होगा तो चूंकि मोर गुड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड मोर मनी कम्स इन तो फिर वो इन्फ्लेशन नहीं होगा. इसलिए अगर आप पैसा इस्तेमाल करके जॉब्स क्रिएट कर दें, लोगों को स्किल्स दिला दें, उनको जॉब में प्लेस कर दें, उसकी वजह से प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए तो फिर वो पैसा इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करेगा. जो सिचुएशन थी जो इंग्लैंड में थी कि देवर फैक्ट्रीज जो क्लोज थी वो फैक्ट्री खुल जाए उसके अंदर लेबर्स चले जाए उसके लिए आप पैसा दे दें दोनों को तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो पैसा जो है वो इट विल बी यूज्ड टू क्रिएट प्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो जब नया प्रोडक्शन ऑनलाइन आएगा पैसे की वजह से तो फिर पैसा इन्फ्लेशनरी नहीं होगा. तो यू हैव टू चेक कि ये पैसा क्रिएशन का पावर जो है ये बहुत ख़तरनाक है. तो गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए जाते हैं ताकि वो, और इसमें भी यानी कुछ न कुछ हक भी है. एंड आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेल पॉलिटिशियंस के यू कैन प्रिंट
money and iska koi khas nuksan nahi hai kyunki politicians to bahut gadbad kar sakte hain agar money creation ki ijazat hai to wo bahut ehtiyat se istemal karne ki zarurat hoti hai असल में ये एक बहुत ही हैवीली स्टडीड सब्जेक्ट है, इस पर काफ़ी किताबें हैं क्योंकि किताबुल खराज है और पुरानी किताबें हैं। असल में ये इस्लामिक टॉपिक है इन द सेंस के गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स हैं वो सब हलाल होनी पड़ती हैं और उसके यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि कहाँ से गवर्नमेंट अर्न कर सकती है और फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको भी जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना होता है, तो उसके भी पूरा डिटेल्ड लिस्ट है कि किस चीज़ पे गवर्नमेंट को ख़र्चे करने की इजाज़त है, किस चीज़ पे गवर्नमेंट ख़र्चे करने की इजाज़त नहीं है और इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं अवेलेबल किताबों में। तो जहाँ तक डोमेस्टिक इकॉनमी का ताल्लुक है तो मनी इज़ अ पब्लिक गुड, यानी वो सबके बेनिफिट के लिए है, तो अगर उसको उसके ऊपर हम पब्लिक गुड की लॉज लगाएं तो फिर वो उससे यानी इस्लाम में जो पब्लिक गुड्स की लॉ है वो ये है कि इसको इसकी बेनिफिट सब लोगों को पहुँचनी चाहिए, इंक्लूडिंग ये जो हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं ये सब पब्लिक गुड्स हैं, इसकी इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इसको जो है वो इट हैज़ टू बेनिफिट हैज़ टू गो टू द होल पीपल क्योंकि इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द पीपल, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो नेचुरल रिसोर्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह से ये मनी भी एक पब्लिक गुड है क्योंकि इट्स नॉट अ नेचुरल रिसोर्स मगर इट्स क्रिएटेड, तो मगर इट्स ब्रिंग्स बेनिफिट टू द होल पब्लिक, सो इट शुड बी प्रिंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल पब्लिक, तो एज लॉन्ग एज डन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डन प्रॉपरली, मगर फिर डन इरेस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर इसका नुकसान हो सकता है। मनी क्रिएशन से फॉर एग्जांपल मुझे घर बनवाना है, मैं पहाड़ों में रहता हूँ और वहाँ पे मुझे कोई और बाकी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ड्रग हैं, मैं दो बंदे हायर करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा भाई आओ ये पहाड़ है, इसकी स्लोप है, थोड़े से इसको कट करो,
ठीक करो, दर्द काटो और मेरे एक कमरा बनाओ। अब एक्टिविटी हो गई है यहाँ पर, ठीक है, अब आई शुड पे देम। अब अगर सारी की सारी हमारे पास हार्ड कैश में या इन द फॉर्म ऑफ करेंसी हमारी पेमेंट्स चल रही है, तो अब मैं इनको पे कहाँ से करूँगा? मतलब शुड आई, हर एक्टिविटी क्रिएट होती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ह्यूमन सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, किसी ने आकर पढ़ा दिया, किसी ने रिक्वायर्ड सिखा दिया, किसी ने मेरा काम कर दिया, तो क्या इसके पैरेलल जैसे जैसे मनी क्रिएशन बढ़नी चाहिए, ये फ्लो इसका, यानी कि हार्ड करेंसी, शुड इट इंक्रीज और व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए इसका? मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी मैंने काफ़ी इस पर ज़रा सोचा, तो मुझे समझ नहीं आ सकी कि इसका एंड हम मिलाएंगे किस तरह से। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम आ गया, डायमंड ले लीजिए, सबको हम करेंसी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वन वे और अदर, डायमंड है ये 5,000 का नोट है, सोने का सिक्का होगा जी ये 2,000 है, चांदी है जी ये 500 का नोट है हमारे पास, इसको हम करेंगे किस तरह से? क्या लिमिट आएगी? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये रिसोर्सेज तो अपनी जगह पर कायम है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही जिस प्रोपोर्शन से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो बात यह कि यहाँ पे मकसद सोचने की जरूरत है कि हम आए हैं किस लिए और करना क्या चाहते हैं जिंदगी से। तो ये तो पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमने मकसद हयात को ऊपर से पुश डाल दिया और जो जरूरियात थे, असबाब थे, यानी कि जो इस मकसद को अचीव करने के लिए उन असबाब को हमने मकसद बना दिया, दैट्स अ कंप्लीट फेलियर हमारे तरफ से। वंस यू थिंक ऑफ द मकसद, तो फिर जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो उसके ताबे होती हैं। Will, how will this help us to get to the maqsad? Agar wo helpful hai to phir usko tareeqa soche, agar wo helpful nahi hai to it is a distraction and it's harmful. To jab hum maqasid pe gaur karte hain to usme nazar aata hai ki ye jo market transactions, they are supposed to build community, they are not supposed to create enmity. To is tarah se hum, यानी कोई हम पर एहसान करे और हम दूसरों पे एहसान करें, तो फिर जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। यानी एंड दिस इज़ हाउ इट यूज़ टू बी, जो घर बनाने के तरीके थे अमेरिकन वेस्ट में, वो ये था कि लॉग्स जो है वो बहुत सारे दरख्त काटने पड़ते थे, सब लोग मिल के काट देते दरख्त और फिर एक आदमी का घर बना देते थे, फिर वो कम्युनिटी मिल के दूसरे आदमी का घर बना देती थी, तो सब लोग जो हैं वो, और ये गांव में इसी तरह कोई बड़ा काम है सब लोग मिल के करते हैं, चाहे वो किसी का इनफरादी ही हो, क्योंकि एक आदमी की ज़रूरत होती है फिर दूसरे की होती है। तो इन जनरल दिस इज़ हाउ सोसाइटी इज़ वर्क, सो वो वर्क जो है वो बहाना है, and it's the creation of community which is the goal. और जो market society है उसमें जो product है वो goal बन जाती है, तो फिर जब materialistic goals होते हैं तो फिर जो है वो community जो है बस push पे जाती है, फिर लोग कहते हैं कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे इसके लिए। real things in life are the ones that cannot be priced. मानते ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अच्छा ताल्लुक है, उसने दुआ दे दी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं चाहिए, दुआ ही दिया तो क्या हुआ, मतलब मैंने काम किया था, दुआ दी क्या करूँगा, इससे खाना थोड़ी मिलेगा मुझे इससे। बट जो उसके बैक एंड पे है, देयर इज पॉसिबिलिटी, मतलब अल्लाह ताला के इसमें बरकत डाल दे, कोई आप बीमार ना हो फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे की जरूरत ही ना पड़े। मोर देन दैट देयर इज रियली वेरी एक्सप्लिसिट बेनिफिट्स। फर्ज करो कि हम लोग आपस में एग्री कर लें कि जिस किसी की ज़रूरत होगी तो हम सब उसको थोड़ा थोड़ा जो अपने बस में वो दे देंगे। तो होता ये है कि यानी जो कैंसर है उसका इलाज जो है वो तकरीबन 5,00,000 रुपए में होता है, लेट्स से। तो अब अगर और मगर उसकी रेट जो है वो समथिंग लाइक 1,00,000 लोगों में दो तीन को होती है, ज़्यादा नहीं होती, यानी दिस द रेट 2 per 100,000 डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कैंसर। स्मोकिंग का जो लंग कैंसर है वो सबसे ज़्यादा है और उसकी यही 2-3-4 होती है। तो अगर
एक लाख लोग मिल के 100-100 रुपया कंट्रीब्यूट कर दें, तो वो जो दो तीन चार लोग हैं उनका हो जाएगा, और दो तीन चार ही को होगा कैंसर, तो सबकी ज़रूरत की कफालत हो जाएगी। अगर हर आदमी कहे कि नहीं, हम लोग सब फर्द हैं, एक दूसरे की कोई मदद नहीं करता, ये दुनिया डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है, हर इंसान को अपना ख्याल रखना होता है, तो अब हर आदमी को अपनी कंटिजेंसी के लिए 5 लाख रुपया जमा करके अपने बैंक में रखना, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ही कैनॉट रिलाई ऑन सोशल सपोर्ट। जब सोशल सपोर्ट नहीं है उसके पास, तो फिर उसको अपनी ही मेहनत करनी, हालांकि और मोस्ट ऑफ इट विल बी वेस्टेड, क्योंकि हर आदमी को कैंसर तो नहीं होना है, सिर्फ दो तीन को होगा, मगर चूंकि नोबडी कैन रिलाई ऑन इट, किसी को नहीं पता किसको हो जाए, तो अब हर आदमी मेहनत में लगा हुआ है कि मैं अपनी जान बचाऊँ, क्योंकि कोई दूसरा मेरी काम नहीं आएगा। तो कितनी मैसिव, इसको कहते हैं एक्सटर्नैलिटी है, अगर हम सोशली, यानी यू कैन थिंक ऑफ इट, यानी ये तो टेक्निकल एग्जांपल, यू कैन थिंक ऑफ इट कि अगर मैं, अगर हर आदमी मेरा भाई है, माशरे में हम आहंगी है, तो फिर आई कैन स्लीप ईजी विदाउट हैविंग एनी रिसोर्सेज, क्योंकि कभी मुझे मसला हुआ तो मेरे पास हजारों भाई बहन हैं, आई कैन गो टू एनीवन एंड आस्क फॉर हेल्प। और अगर मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, तो फिर हर मसला मेरे लिए भारी मसला है। दिस यानी मार्केट मेंटालिटी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो आपको पैसे चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए तो वो भी पैसे, आपको खाना चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। और जो सोसाइटी है, ख़ासतौर पर इस्लामिक सोसाइटी में, तो कोई भी आपसे अगर घर पे आ जाए खाना मांगे, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि आप उसको खाने खिलाएं। यू डोंट, यू कैंट आस्क के क्यों और कब और कैसे, और चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, somebody ask food for you, तो वो आपको देना है। तो इस तरह से, तो यानी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मार्केट सोसाइटी। बात यह कि हम लोगों की सोसाइटी बहुत रैपिडली मार्केट सोसाइटी बनती जा रही है। बात यह कि ये काम कम्युनिटी डेवलपमेंट का हमारे अख्तर हमीद खान ने शुरू किया था कमिला प्रोजेक्ट में, उसके बाद फिर यहाँ भी उसके फॉलोअर्स हैं, कि सुल्तान खान है, उसने नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारी जगहों में जाकर कम्युनिटीज बनाई हैं। और ये जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है, ये भी अख्तर हमीद खान के मॉडल पे बनाई गई, और इसमें इन लोगों ने यही कहा कि यानी माइंडसेट चेंज किया, जाके वो बैठे और लोगों को जमा किया, लोग यही समझ रहे थे कि ठीक है आप हमारे लिए ये कर दें, आप हमारे लिए वो कर दें, उसने कहा नहीं, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपको करना है वो आपको खुद करना है, तो मगर आप लोग सब फिर मिल जाएं और मिल के सोचें और कंसेंसस के साथ काम करें। यानी कम्युनिटीज आर एस्पेशली जो अर्बन एरियाज, उसमें तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई, तो रिक्रिएट करना होता है, तो वो कम्युनिटीज क्रिएट हुई, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग ये सुअर लाइन्स बिछाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि हर आदमी अपने घर के सामने का हिस्सा कवर कर ले। अब टास्क को डिवाइड कर दिया, अब फिर देखा कि अच्छा किस को कौन लोग हैं जो जवान जहान हैं, जो खुदाई कर सकते हैं, तो उनको लगा दिया, जो लोग यानी इसके काबिल नहीं थे, फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद ली,
जिनके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दिए और जो यानी बिल्कुल ही मजबूर थे कोई बेवा थी जिसका कोई वो नहीं था तो मीरबर ने कहा ठीक है हम लोग इसका हिस्सा कर देंगे खुद ही तो इस तरह से फिर कम्युनिटी लेवल पे हाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी अचानक टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है वो फिर इन लोग ने प्रोवाइड की कि अच्छा इसमें ये करना है कुछ एक्सपर्ट इंजीनियर्स ला दे माल जहाँ से ख़रीदना है उसका अरेंज कर दिया अगर बासिन तो इस तरह से फिर वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनी और सक्सेसफुली कंप्लीटेड और अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट करती तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता क्योंकि वो कम्युनिटी का वो नहीं था यानी जो रायविंड का इज्तम होता है उसमें लाखों लोग आते हैं हर आदमी अपना खाना पे करता है इसलिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती अगर यही चीज़ जो है वो कोई गवर्नमेंट का इदारा कर रहा होता तो उसकी करोड़ों कॉस्ट आ जाती तीन दिन की कॉन्फ्रेंस करवाने की किसी देखिए कोई भी काम है वो कोई ना कोई इनिशिएट करता है बिल्कुल जो बड़ा होता है जो स्टेप लेता है वो काम स्टार्ट करवाता है इनिशिएट करवाता है तो जो फॉलोअर्स हैं दे हैव फेथ इन दैट पर्सन सही ठीक है उस फेथ को लेकर काम स्टार्ट हो जाता है मतलब इसको यूं कहें कि गाड़ी की इग्निशन है हमने सर मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई अब इसके बाद आगे काम शुरू हो जाएंगे इंजन गियर टायर्स सारे के सारे काम फंक्शन शुरू हो जाएंगे इसको आप देखें कि अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने देखना है हमें बता दिया गया कि जी ज़कात आप दें ढाई फीसद और इंटरेस्टिंगली ये भी बता दिया गया कि अच्छा देखो कि अगर ज़कात दोगे तो तुम्हारा माल बढ़ेगा कम नहीं होगा अब 100 से 2.5 रुपये निकाल दिए और बताया जा रहा है कि बढ़ जाएगा मतलब कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा हालांकि 100 से 2.5 निकाले तो कम होते हैं लेकिन प्रॉमिस कि बढ़ जाएगा ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट है चाहे 100 रुपये पे 1 मिले चाहे 50 मिले लिमिट नहीं डिफाइंड 100 से बढ़ेगा हाँ। तो बता दिया ये कम हो जाएगा बिल्कुल सही अब अगर किसी को देखें कि अगर मेमन कम्युनिटी ने अपने किसी बड़े की बात मान ली कि ठीक है अगर मेरे पास काम है मैं अपने किसी चचा मामा फूफा उसके बेटे को रखूंगा अपने साथ काम पे चाहे उसे काम आते नहीं है तो उसे सिखाऊंगा हाँ। फिर वो काम करेगा आई हैव काम हो जाएगा कल कोई सीख जाएगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी व्हाटएवर आर द इंटरेस्ट लेकिन जब यहाँ पे बात आती है वी डोंट बिलीव इन दैट हमें बता दिया गया कि 97 साढ़े 97 बन रहे हैं बट इट्स वेरी सिंपल अगर हम लोग सब अपनी इनकम से 2.5% निकाल के कॉमन पूल में डाल दें तो मेरा तो 2.5% जाएगा मगर हजारों रुपए तो कॉमन पूल में सबके लिए अवेलेबल होंगे और इस तरह से अगर मैंने तुमसे इंटरेस्ट ले लिया तो ये हमारे ये इसको कहते हैं कि फ्राम यूनिवर्सल ब्रदरहुड टू यूनिवर्सल अदरहुड किसी नेल्सन ने किताब लिखी अब हमारी तुम्हारी दुश्मनी मैंने तुम्हारा तो इसलिए एडवर्सेरियल कॉन्ट्रैक्ट है तो अब जब दुश्मनी है तो आई कैंट काउंट ऑन यू फॉर हेल्प व्हेन जब मैंने तुम्हारी ज़रूरत का फ़ायदा उठा के तुमसे जो है पैसे निकाले थे अब अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं क्यों आई डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू हेल्प मी तो वो जो हेल्प है दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन 2 रुपया मैंने निकाल लिया इंटरेस्ट का तो वो जो मेरा लॉस हुआ बहुत ज्यादा हुआ बनिस्बत उस गेन के जो मैंने पैसे में कमाया तो इसी को वही है कि इंटरेस्ट और इसमें ज़कात में हमें ये भी यकीन नहीं है कि जो हमसे अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो कुछ होगा ना हो क्यों उसकी जो मुझे समझ आती है अपने लेवल तक बात आपकी भी गाइडेंस चाहूंगा इसमें कि शायद हम इसे काउंट नहीं कर पाते हैं ना यहाँ के अगर जो हमारे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कम पैसे होंगे और मैं कहूँगा इसे मैंने बिजनेस में लगा दिया कुछ ज़कात दे भी दी अब अगर अगला प्रॉफिट आ जाएगा तो आई वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या अल्लाह की मदद से एक्स्ट्रा मेरे साथ काम हो गया या नहीं हो गया मैं तो यही समझूंगा नहीं भाई मैंने पैसे अपने लगाए तो उससे मुझे प्रॉफिट आ गया क्योंकि जो सीक्वेंशियल स्टडीज है वो इसमें कर नहीं सकता कि अगर मैंने वो 2.5% ना दिया होता तो क्या मैं इतना प्रॉफिट कमाता या अगर मैंने दे दिया तो मैंने ज़्यादा कमाया या कम कमाया हम इसको इस तरह से रिलेट नहीं कर सकते इसलिए हम उस पर रिलाई भी नहीं करते और इस तरह से जिस तरह से उस पर होना चाहिए प्रैक्टिकली उसको लेकर भी नहीं आते अपनी बात यह है कि दिस इज़ द पर्पस यानी ये दुनिया की ज़िंदगी का मकसद ही है कि देखें कि कौन अपने रब को पहचानता है और कौन नहीं पहचानता है तो ये नहीं है कि
हम ऐसा करते या हम वैसा करते, बल्कि ये टेस्ट है कि देखें कि कौन इसको पास करता है और कौन इसको फेल करता है, और इस पे बहुत बड़ी बड़ी आउटकम्स हैं जो कि मुरतब होंगी. तो everybody has been left free. ऐसा नहीं है कि हम मजबूर हैं कि हम ऐसे सोचें या वैसे सोचें, दोनों तरीक़े हमारे पास हैं. तो हदैना हुन नजदैन, अल्लाह ताला ने कहा दोनों रास्ते मैंने दिखला दिए हैं. और ये भी कहा है कि फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, कि जो भी चाहे अपने रब के रास्ते को ढूंढ चल ले, ढूंढ ले, उसके पास पहुँच जाए. तो वी आर ऑल फ्री टू चूज, और हमारे लिए बुराई का रास्ता भी अल्लाह ताला ने दिखलाया भी है और उसको अट्रैक्टिव भी किया है. ये नहीं है कि उसको, तो ताकि इम्तहान पैदा हो. अगर वो नहीं होता उसमें कोई अट्रैक्शन, तो फिर कोई इम्तहान नहीं होता. तो ये टेस्ट है हमारा कि देखें कि कौन पहचानता है अपने रब को और कौन नहीं पहचानता है. तो इस टेस्ट में अगर हम लोग पास हो गए तो फिर सारी दुनिया फेल हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं. इस टेस्ट को हम फेल हो गए तो फिर सारी दुनिया पास हो जाए, उसका भी कोई परवाह नहीं. हाँ, ये तो टेक्निकल सवाल है. जो की समझने की बात है वो ये है, जो इन दोनों पेपर्स में है, सारलिंगा में और बैटल में, कि इकोनॉमिक थ्योरी शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ थ्योरी विच इज़ यूज्ड टू लर्न अबाउट हाउ थिंग्स हैपन. इट शुड बी थॉट ऑफ एज अ वेपन ऑफ वॉर. और ये एक मुस्तकिल जंग है जो लड़ी जा रही है. कुछ आइडियाज़ जो हैं वो हथियार हैं, और इन आइडियाज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इससे हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है. जब इंग्लैंड ने कॉन्कर किया, कॉलोनाइज किया सारी दुनिया को, तो फिर वो ये चाहता था कि हमारी कॉटन जो है वो हमारे यहाँ टेक्सटाइल नहीं प्रोड्यूस हो, टेक्सटाइल जो हो लैंकास्टर में प्रोड्यूस हो, लैंकाशायर में प्रोड्यूस हो. तो उसने थ्योरी बनाई कंपेरेटिव एडवांटेज, कि तुम्हारा कंपेरेटिव एडवांटेज है रॉ कॉटन प्रोड्यूस करने में, हमारा एडवांटेज है टेक्सटाइल बनाने में. तो कॉटन तुम हमें अपनी वहाँ भेजो और फिर वो हम शर्ट बना के तुम्हारे पास भेजेंगे. और यही इकोनॉमिक थ्योरी है. इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी की थ्योरी है. इंडस्ट्री यहाँ की नहीं लग सकती है, मगर इट वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजस टू देम, फॉर देम टू डू दिस. बहुत उनको उससे फ़ायदा हुआ, ताकि गांधी ने उसको अपोज किया, कहते नहीं हम लोग अपना खदड़ बनाएंगे, खुद ही पहनेंगे, हम लोग वहाँ इंग्लैंड से नहीं भेज के कॉटन नहीं भेजेंगे, और उससे वहाँ की इंग्लैंड की शर्ट्स नहीं पहनेंगे. दैट वॉज अनदर इकोनॉमिक थ्योरी टू, यानी साउथ थ्रू के क्या हो रहा है, और उसने उसको अपोज किया. तो ये थ्योरी इस तरह से कंपेरेटिव एडवांटेज, इसी तरह से पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है, कि आप किसी से कुछ ले लें और दूसरे को दे दें, तो एक का नुकसान हो गया, दूसरे का फ़ायदा हो गया, इसलिए हम जज नहीं कर सकते किस फायदा. अब एक आदमी अरबपति है, आपने उससे पैसे लेके 1000 बच्चों को खाना खिला दिया, तो हम जज नहीं कर सकते हैं क्या कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कर सकते हैं जज, ऑब्वियसली. उस अरबपति को तो कुछ पता ही नहीं चला कि उसके बैंक में पैसे थे वो कम हो गए, ही डिडंट इवन नोटिस कि कोई फ़र्क पड़ा, और जो बच्चे थे उनको खाना मिल गया. तो ये डेफिनेटली इट्स अ वेलफेयर इम्प्रूविंग प्रोपोजिशन. तो ये कहना कि नहीं इसमें हम नहीं जानते, ये कहना एक हथियार है अगेंस्ट द पुअर एंड इन फेवर ऑफ द रिच. ये सारे आइडियाज़ अब मैं तो तुम्हें बतला रहा हूँ, मगर कायदे आज़म में वो लोग इसको दीन समझ के पढ़ते हैं. तुम कहो कि पैरेटो ऑप्टिमल रॉन्ग है, तो वो कहेंगे तुम पागल हो गया, सारी किताबों में यही लिखा है. तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, और इस वॉरफेयर में जो सबसे
पावरफुल वेपन है वो यही है कि भाई ये तो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, इससे तो कोई आदमी, ये तो साइंटिफिक बात है, इससे तो कोई आदमी यानी डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता है। जिस तरह से हम कहेंगे 2 + 2 = 4 है, तो इससे हम कोई आर्ग्यू करे कि नहीं 5 है तो पागल होगा। इसी तरह से कोई आदमी कहे कि भाई पैरेटो ऑप्टिमैलिटी गलत है, तो वो भी पागल है, क्योंकि ये तो फैक्ट है, तो फैक्ट से तो आर्ग्यू किया नहीं है। तो दिस आइडिया इकोनॉमिक थ्योरी इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट जो कि सिखलाया जाता है लोगों को, वो बहुत पावरफुल एक वेपन है, क्योंकि जब आदमी ये समझता है कि ये तो एक साइंस है, और इसमें ख़ास तौर पर बहुत सारी मैथमेटिक्स वगैरह से आदमी मजबूर हो जाता है कि मैं कैसे इसको जज करूं, क्योंकि ये तो बहुत आला और मुझे तो समझ ही में नहीं आती है ये, जब समझ ही में नहीं आती तो फिर मैं इसको जज कैसे करूं। तो फिर ये तो बहुत वही इसको इकबाल ने कहा है कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीनो नजफ। तो अमूमन जो है वो लोग जो हैं वो इतना उनकी पायरोटेक्निक्स होती हैं, इतनी रॉकेट्स होती हैं और रेड लाइट्स होती हैं कि आदमी जो है वो कहता है कि ओह वाह वाह क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये बुढ़िया जो है ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल के साइमल्टेनियस को सॉल्व कर सकती है ताकि वो अपना टमाटर खरीदे। हाँ भाई बिल्कुल सही होगा। तो मजहक फेज बातों पे भी हम बिल्कुल सीरियसली ईमान ले आते हैं, क्योंकि इतनी उसमें पायरोटेक्निक्स है कि हमारी आंखें जो है वो चुंधिया जाती हैं और हमें हकीकत नहीं समझ में आती। तो जब हकीकत पहुँचती है तो कहते हैं ये सब फ्रॉड है, धोखा है हमें, और इसी फ्रॉड और धोखे ने हमें जो है वो हर किस्म की जहालत और गमराही में मुबतला कर रखा है। ये मेन मैसेज है बेसिकली इस बैटल का, और इसमें यह है कि यानी इस वक्त करेंटली डोमिनेंट आइडियाज़ जो हैं वो, यानी असद उमर भी इसी परेशानी में है कि टैक्सेस कैसे बढ़ाएं, डिफिसिट कैसे घटाएं और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे फिक्स करें। इन सब मसलों का बहुत आसान हल है, मगर वो इट रिक्वायर्स थिंकिंग इन वेज विच आर नॉट एट ऑल फेमिलियर टू पीपल। जो मेरा आर्टिकल है मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी पे, वो जो सेक्रेटरी फाइनेंस वो कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, यानी डेफिसिट सारी ज़िंदगी मैंने इसी की मेहनत की कि डेफिसिट को कवर करें, और तुम कह रहे हो कि ये कोई चीज़ ही नहीं है। तो बात यह है कि हम इससे डर रहे होते हैं कि अच्छा जो अब तक मैंने किया वो सब गलत था। हाँ ये बात सही, बिल्कुल मैं समझता हूँ वो सब गलत था, ये बात है, दैट्स ट्रू। जब तालिब को आखिरी बार दावत दी तो उसने कहा मैं अपने आबा व अजदाद के दीन को कैसे छोड़ दूँ, हालांकि ये बात सेंस तुम्हारी लगती है, अगर आप जो है वो इसी तरह से बहुत सारे लोग निकाले या फिर नहीं बने छोड़ सकते तो बात ये है कि इस्लाम जो है वो हमेशा एक रेवोल्यूशन रहा है, कभी यानी, और ये एक्सटर्नल नहीं है, इस्लाम टीचिंग जो है वो आपके दिल के अंदर अगर शम्मा जला दे नूर की हिदायत की तो बस काम हो गया। इसके इस पे कोई और किसी चीज़ का दारोमदार नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, साजगार माहौल चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। मामला जो है वो सिर्फ आपके और अल्लाह ताला के दरमियान है, और अगर वो ईमान की शमा रोशन हो जाए तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो नहीं हो तो फिर किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं। अगर 100 रुपए की लोनिंग हमने करनी तो उसका 20% हमने अपने पास में, उस
क्रेडिट क्रिएटेड अमाउंट का, अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो 200 रुपये अपने पास बैंक को रखना है। और दूसरी तरफ जो पेपर था उसमें उसमें ये थी बात कि जो डिपॉजिट्स आते हैं उस डिपॉजिट का सर्टेन अमाउंट हमने अपने पास रखनी है और जो रिमेनिंग है उसके इक्विवेलेंट हम लोन क्रिएट कर सकते हैं। ये गलत बात है, दूसरी बात गलत है। दरअसल में इन दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी बैंक के पास एक किटी होती है, जब आप यानी जब आप डिपॉजिट रखते हैं तो एक्चुअली इट्स अ सेल, आपको एक प्रोडक्ट मिलती है जो कि डिपॉजिट अकाउंट है और बैंक को पैसे मिलते हैं, इन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दे डोंट इवन हैव टू बी ऑन अ वन टू वन बेसिस। वन टू वन बेसिस से ये धोखा इंसान को लगता है कि ये मेरे पैसे हैं जो मेरे डिपॉजिट अकाउंट में है, डिपॉजिट अकाउंट का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। डिपॉजिट अकाउंट पूरी एक और चीज़ है, एक नई प्रोडक्ट है, इट्स लाइक अ यानी एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिससे आपको हक मिल जाता है कि वो बैंक के नाम पे आप चेक लिख के जहाँ पे भी हैं आपको पैसे डिलीवर कर देगा। बैंक के पास अपना एक स्टॉक है पैसे सा और अपना एक सिस्टम है कि वो कर्जा लेके आपको दे देता है, बल्कि फ़र्ज करो कि बैंक सारे पैसे खर्च कर देता है, उसके पास एक भी पाई नहीं, सारे अकाउंट्स ब्लैंक हैं, किसी अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। दिस इज द किसी अकाउंट में कभी भी कोई पैसा नहीं होता है, दिस इज द थिंग। किसी तो पैसे जो हैं वो सारे बैंक के पास एक स्टॉक में होते हैं। दूसरा देखो मैं ये भी बात थी कि जब भी कोई बैंक किसी को लोन देता है, उसे क्रेडिट एक्सटेंड करता है, हाँ बिल्कुल, किसी के इक्विवेलेंट अमाउंट एंट्री में डेबिट अकाउंट भी क्रिएट कर दिया जाता है। अब मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अब अगर ये बात ऐसे है तो बैंक के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी आ गई कि वो अनलिमिटेड जितने मर्जी चाहे वो लोन एक्सटेंड। नहीं देखो, उसके पास जो क्रेडिट अकाउंट्स हैं वो जितने भी हैं उसको यानी उसका 20% मेंटेन करना है। अगर उसके पास 5 लाख के उसने क्रेडिट एक्सटेंड की है तो उसके पास 1 लाख कैश होनी चाहिए इन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रूल्स, वरना व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू कि आजकल जो है वो बैंक्स की यही कोशिश रहती है कि अपने मार्जिन को जितना कम से कम हो उतना किया जाए, जितना हम ज़्यादा लेवरेज करते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स मिलती हैं, क्योंकि अगर आप 1 रुपये के 1000 बना दें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आएंगे, 1 रुपये के सिर्फ 100 बनाएं तो आपको कम आएंगे, 1 रुपये के 2 बनाएं तो और भी कम आएंगे, तो मैक्सिमम लेवरेजिंग जो है वो आपके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट्स का जरिया है, तो इसको रोका जाता है बाय ये बैसल रूल्स एंड सो ऑन, मगर बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, ये बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर कि द सिस्टम कीप्स गोइंग। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि लोगों इस हद तक बात समझ में आई, इन द सेंस के मैंने अच्छा शेर है, मगर वो मेरे आर्टिकल ने गुत्थी नहीं सुलझाई। सही है, होपिंग के क्वेश्चन से मुझे समझ में आ जाएगी कि स्टूडेंट्स को कितनी बात समझ में आई, अगर ये मुझे फीडबैक नहीं हासिल हुई, चलो शायद इसमें देख के कुछ पता चले। ठीक है।